तो आज हिस्ट्री के लेक्चर में हम खिलजी वंश की शुरुआत करेंगे, क्योंकि गुलाम वंश मैंने समाप्त कर दिया था और बताया था आपको कि कैकुबाद जो है आपका आता है उसी समय जलालुद्दीन खिलजी उनका जो है क्या होता है सेनापति बन जाता है, और उसके बाद से उसको जब लकवा मार देता है तो क्यूमर्स आता है, 3 साल का लड़का रहता है, और उसकी हत्या करके जो है जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। उसके बारे में हम डिटेल आज पढ़ेंगे, पूरा का पूरा उनकी बायोग्राफी देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी का। उसके बाद हम अगले सेशन में जो है इसके अगले सेशन में मैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो एक लंबा सेशन होगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का पूरा एक तरह से जो विजिट करता है, विजय करता है, वो विजय अभियान में अलग पढ़ाऊंगा, और उसके जितने भी प्रशासन और कार्य हैं वो अलग लेक्चर में होगा। तो आज हम सिर्फ जलालुद्दीन के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि ये जितने भी आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं वो 10+ कोर्स के अंतर्गत दिए जा रहे हैं, जहाँ पे आपको सभी वीडियो क्लासेस फ्री हैं, कोई भी पे नहीं करना है आपको। अगर इन सभी क्लासेस के नोट्स चाहते हैं तो आपको 499 रुपये का PDF सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा, जो आप हमारे परीक्षा प्लस ऐप से ले सकते हैं। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं अपने सेशन पे हिस्ट्री के, और देखेंगे जलालुद्दीन की कहानी कि कैसे इनकी कहानी है और कहाँ से ये आए थे, क्या क्या इनके साथ खिलजी वंश कैसे ये जो है एक छोटे से पद से और यहाँ पे आपके पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत पे राज किए, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले जान लो कि जो खिलजी वंश है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है। आपसे टाइम पीरियड अगर पूछे तो इतना जान लो कि जो क्यूमर्स था आपका उस कब वो ख़त्म हुआ था, क्योंकि कैकुबाद जो था आपका 90 तक था, और 90 के ही पीरियड में आपका क्यूमर्स आता है, ठीक, तो उसी से 90 में ही खिलजी वंश की स्थापना भी होती है। तो 1290 से लेकर 1320 तक का जो टाइम पीरियड है ये खिलजी वंश का टाइम पीरियड है, इसी के बीच पूरा खिलजी वंश आता है। तो स्थापना कौन करता है आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है तो जलालुद्दीन खिलजी, यहाँ से इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि खिलजी वंश की स्थापना कौन करता है, तो जलालुद्दीन खिलजी। इनका जो टाइम पीरियड है 1290 से लेके ये 98 है, इसे सही कर लो 96 तक है, 1290 से 96 तक है, 96 में इनकी हत्या कर दी जाती है और अलाउद्दीन खिलजी जो है आपका जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाता है। तो हम मैं खिलजियों के बारे में आपको बता दूं कि ये खिलजी कैसे दिल्ली तक पहुंचे, तो इसके पीछे एक किताब है जो उनकी फखरुद्दीन की है, तारीख़ फखरुद्दीन मुबारक शाह के हिसाब से बताया जाता है कि जो इनके खिलजी के जो पूर्वज थे वो एक तरह से तुर्क ही थे, ठीक है, तुर्क थे वो, उनके पूर्वज तुर्क थे, मगर ये लोग इनको तुर्क नहीं माना जाता। कुछ इतिहासकार जो है कहते हैं कि ये प्योरली तुर्क नहीं थे, क्यों नहीं थे, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो क्या हुए थे कि आपके कहीं से आए थे और अफगानिस्तान में एक नदी है उसके घाटी पे बस गए थे, वहीं पे एक जो जगह है अफगानिस्तान में उसे खिलजी बोला जाता था, तो जब वहाँ कई सालों तक लोग रहने लगे इनके पूर्वज तो इनको एक जाति बना दी गई खिलजी नाम की, तो यहीं से ये उदय हुआ था इनका और यहीं से इनको जो है गुलाम बनाकर लाया गया था। तो ये लोग जो आपके बलबन थे उनके समय में ये लोग दिल्ली में काफ़ी चर्चित में आ गए थे, क्योंकि इनका पोस्ट जो है उस समय अच्छा मिल गया था। तो इनके साथ इनका भाई रहते हैं, एक तो ये जलालुद्दीन रहते हैं, एक सियाबुद्दीन रहते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के पिता दी जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों लोग क्या रहते हैं बलबन के समय में आपके उसके अंगरक्षक रहते हैं, शाही अंगरक्षक का पोस्ट लिए रहते हैं। उसके बाद से जब मैंने आपको बताया था कि मंगोल का आक्रमण होता है कैकुबाद के समय में, तो उस समय बुगरा खान जो आता है जैसे विजय कर लेते हैं मंगोलों पर, तो बुगरा खान जो बलबन का बेटा होता है सबसे छोटा बेटा, बड़ा बेटा तो मर जाता है मंगोलों के आक्रमण में, मगर जो छोटा बेटा आता है वो बोलता है कि जलालुद्दीन को आप अपने साथ रखो और जो राजकार्य है वो सही ढंग से करो। तो उस समय जो है जलालुद्दीन को आपके कैकुबाद हैं वो एक पोस्ट देते हैं, वो कौन सी पोस्ट देते हैं, आरिज ए मुमालिक जो पोस्ट होता है इसके अंतर्गत उसको सेना का पूरा सेना का प्रमुख बना दिया जाता है, ठीक है, सेनापति बना दिया जाता है कि पूरा का पूरा सैनिक जो कार्यवाही होगा इन्हीं के अंतर्गत होगा। जब सेना का प्रमुख बना दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है ये काफ़ी पावरफुल हो जाएंगे, और यही जब यहाँ से ये पावरफुल हो जाते हैं तो इनसे लोग क्या होते हैं चिढ़ने लगते हैं। तो जो अमीर तुर्क होते हैं, जो मेनली तुर्क होते हैं, ठीक है, ये जितना इसमें लिखा है मैं नोट्स में वो सब मैं आपको कहानी के तौर पर बता दे रहा हूँ, जो अमीर तुर्क होते हैं वो चिढ़ने लगते हैं, और इसी चिढ़ने की वजह से जब उसको कैकुबाद को लकवा मार देता है तो इसे मारने का प्लान बनाते हैं, तो मगर कैकुबाद इसके फेवर में रहता है जलालुद्दीन को, तो जब लकवा मार देता है तो उसका तो कॉन्सेप्ट वहाँ से ख़त्म ही हो जाता है।
तो बसता है, इसीलिए वो जो अमीर तुर्क होते हैं वो क्यूमर्स को गद्दी पर बैठा देते हैं और अपना सोचते हैं कि हम राज करेंगे, मगर कहीं ना कहीं जलालुद्दीन को पता चल जाता है कि ये लोग मुझसे कुछ चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए क्यूमर्स को मारकर तुरंत जो है गद्दी पर बैठ जाता है। और इतिहासकार मानते हैं कि जब जलालुद्दीन आपका दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है उस समय उसकी एज जो थी काफ़ी हो चुकी थी, मतलब बोला जाता है 70 साल का हो चुका था। तो जब ये गद्दी पर बैठता है तो 70 साल का बुजुर्ग रहता है, तो ये ज़्यादा मारकाट में विश्वास नहीं रखता है। इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो बलबन के हिसाब से नहीं चलती है। जैसे बलबन क्या था, क्रूर था, वो अपना सुल्तान का पावर दिखाने के लिए कहीं भी तलवार उठा लेता था, किसी की भी गर्दन कटवा देता था। मगर इसकी जो होती है ये नियत इसकी अलग होती है। ये बोलता है क्योंकि ये पहले तो अलग था, पहले ये भी उसी टाइप का इंसान था, मगर बाद में जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बूढ़ा होने पर क्या होता है, कोई भी इंसान बूढ़ा हो जाए तो सोचता है चलो दान पुण्य कर लें कुछ, क्योंकि अब मरने के कगार पर पहुंच गए हैं, यहीं से स्वर्ग नसीब हो जाएगा। तो वैसे ही इसकी भी हालत हो गई थी। तो ये बोलता था कि जो प्रजा है, ठीक है, जो राज्य हमारा जो चलेगा वो प्रजा जब जिस पे खुश रहेगी उसी हिसाब से चलेगा, हम कोई चीज जबरदस्ती उनके साथ नहीं करेंगे। तो काफी दयालु रहता है अपने प्रजा के प्रति। मगर हाँ, ये बात दयालु का ये मत मतलब निकाल लेना कि ये हिंदुओं के प्रति भी दयालु रहता है, ऐसा नहीं है। इतिहासकार, मैं नहीं ऐसा बोल रहा हूँ, इतिहासकार बताते हैं, आप लोग देखिएगा, इतिहासकार जो कहते हैं, इसने भी कई मंदिरें तोड़वाई, कई हिंदुओं पे अत्याचार किया, धर्म परिवर्तन किया, तो हिंदुओं के लिए बेनिवोलेंस नहीं रहता है, ये जो आपका मुस्लिमों के लिए थोड़ा उदार रहता है। उसके बाद से इसका जो है उदार ऐसा रहता है कि जो आपके बलबन के, क्योंकि अब देखो यहां से सत्ता पलट जाती है, जब सत्ता पलट जाती है तो क्या करते हैं लोग, जो विरोधी दल के होते हैं उसको वहां से पोस्ट से हटा देते हैं। अभी भी आप लोग देखते हो राजनीति में, जैसे दूसरी सरकार बनती है तो धीरे धीरे करके आपका राष्ट्रपति, ठीक है, जो भी और भी पोस्टें होती हैं सबके पोस्ट धीरे धीरे हटते जाते हैं। आपके हर एक स्टेट में जो गवर्नर होता है उसका भी देख लो, उसी पोस्ट आपके पार्टी का होने लगता है जिसका सरकार बनी रहती है सेंट्रल में। तो वही चीजें होती है जब भी आपका सत्ता पलटता है। तो सेम यहाँ पे भी था कि जब सत्ता पलटता था तो जो भी जो अधिकारी होते थे किसी पोस्ट पे होते थे उन्हें हटा दिया जाता था। मगर इसका क्या कहना था कि नहीं, उन्हें हटाना नहीं भाई, उन्हें भी जीने खाने दो। मतलब इतना दयालु था कि वो नहीं चाहता था कि इन लोगों को हटाया जाए, जो ये लोग पोस्ट पे हैं अपना बने रहे भैया, मेरे वजह से किसी को तकलीफ ना हो। तो वो भी तुर्क जो है खुश हो गए इससे, चलो ठीक है। तो जो खिलजी के सपोर्टर थे वो थोड़ा दुखी थे, उसी में आपके अलाउद्दीन खिलजी थे, वो भी काफी दुखी थे, ठीक, कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे करने से तो खिलजी वंश की जो है परंपरा खत्म हो जाएगी, लोग हर जगह विद्रोह कर देंगे। होता यही था, हुआ यही जलालुद्दीन के साथ, जब ये गद्दी पर बैठा तो सबसे पहला विद्रोह कहाँ हो गया, जो आपका बलबन का भतीजा था, क्योंकि भाई जब दिल्ली की इसने तो दयालु का वो चोला पहन रखा था कि भैया मैं कहीं किसी पर आक्रमण नहीं करूंगा, किसी को हटाऊंगा नहीं, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। तो इन सबको देखते हुए जो अवध का आपका कांडा का मणिपुर का जो है सरदार रहता है, मलिक छज्जू नाम रहता है, और ये बलबन का जो है भतीजा रहता है, इसने विद्रोह पैदा कर दिया। इसने बोला कि जिस गद्दी पर जलालुद्दीन बैठे हैं वो जो है गद्दी किसकी है, वो मेरी गद्दी है, क्योंकि वो मेरे जो है चाचा जी की थी, तो मैं उनसे उसके बाद मेरा हक दिल्ली सल्तनत पर मेरा ही बनता है। वो जब विद्रोह कर देता है तो देखा जाता है, तो जलालुद्दीन क्या करता है, अपने बेटे को आरकली को भेजता है, कहता है भैया जाओ उसे समझाओ उमझाओ कि जो चाहिए तुम ले लो, विद्रोह मत करो, ठीक है, जो पोस्ट चाहिए जैसा धन दौलत चाहिए सब देने के लिए हम तैयार हैं सुल्तान, मगर ऐसा मत करो कि जो है अनारकी ना फैलाओ जनता में। अरकली जाता है, पिता की बोल देते हैं तो जाओ, तो वो अपना सुनता है मगर करता है अपने मन का है, खूब मारता है उनको, युद्ध करता है उनसे, अब बंदी बना ले आता है, सब कुछ एकदम लिथर पिथर कर देता है, अब बना के ला के जलालुद्दीन के सामने पेश कर देता है कि देखिए ये हैं आपके जो मलिक छज्जू हैं, बताइए इनके साथ क्या किया जाए, इन्हें कठोर दंड दीजिए। तो जलालुद्दीन जो खिलजी होते हैं वो समय कहते हैं कि भैया इनको मेरे सामने से हटाओ, मैं इन्हें कुछ कर नहीं सकता, इन्हें मतलब इस हालत में, मैं इतनी गिरी हालत में इसे देख नहीं सकता, इसे जो चाहिए उसे दे दो और इसे हटा दो। वहां से आरकली जो उनका पुत्र होता कहता है अरे यार पिताजी एकदम सठिया गए हो, कहा एकदम तुम ठीक। और यही बात आपको अलाउद्दीन खिलजी जो अलीगढ़ साफ होता उसका नाम रहता है, उसे भी ये बुरा लगता है, वो कहता है चाचा सठिया गया है, इसको हमें देखना पड़ेगा, निपटना पड़ेगा इससे, ऐसे रहा तो राजकाज चल नहीं पाएगा।
फिर मलिक छज्जू को क्या करता है, माफी दे देता है कि भैया ठीक है तुमसे गलती हो गई, और रात में, यहाँ तक तो माफी देने की बात अलग है, रात में डिनर के लिए बुलाता है उसे कि भैया छज्जू आओ साथ में डिनर करेंगे। और ये सब देख के जो है खिलजी वाले जो सपोर्टर होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि ये जो है सत्ता को ले डूबेगा। ठीक, तो ऐसी कुछ कहानी है, और यही ऐसा इनका रवैया रहता है, और यही चल के इनके बहुत महंगा पड़ता है, और अलाउद्दीन खिलजी इनको मार देता है। उसके बीच बीच में क्या हुआ कि जो एक जो बोला जाता है इनको दयालु के प्रति कि हाँ ये बहुत दयालु थे, कहीं कहीं इसका अपवाद मिलता है आपको, कब मिलता है कि एक जो है ईरानी संत थे, वो काफ़ी हिंदुओं के फेवर में थे, हिंदू का फेवर करते थे, और उनका जो बोला जाए पावर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था जलालुद्दीन के ही समय। ठीक, सिद्दी मौला नाम था उनका, तो यही एक अपवाद बोला जाता है कि सिद्दी मौला को इसने हाथियों के जो पैर रहते हैं उनके तलों जो है उसे कुचलवा दिया। ठीक, क्यों, क्योंकि उसका जो देखें कि धीरे धीरे वो पावर बढ़ रहा है, उसे सपोर्टर हिंदुओं का मिल गया था, क्योंकि हिंदू जो थे वो कहीं ना कहीं जलालुद्दीन को उतना फेवर नहीं करते थे। ठीक, और कुछ उनके जो भक्त थे क्योंकि वो संत था उसके फेवर में थे, तो इस सब को देख के आरकली से बोलता है भैया सिद्दी मौला का कुछ व्यवस्था करो, तो वही आरकली फिर से उनका पुत्र जाता है और उसको हाथियों के जो है पैरों के तले कुचलवा देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये एक अपवाद मिलता है कि लोग कहते हैं कि बहुत दयालु था, तो ये दयालु था तो इसे क्यों मरवा दिया। ठीक, बाकी आप देख लेते हैं इनका राज्याभिषेक जो है कहाँ कराया गया था। या अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो किलो खरी नाम की एक जगह है दिल्ली के पास, और वहीं का एक किला है किलो खरी, वहीं पे इसका राज्याभिषेक कराया गया था, जिस इस किलोखरी को कैकुबाद ने बनाना शुरू किया था। ठीक, आगे चलो बढ़ जाते हैं, बाकी सब मैंने आपको एक उसके हिसाब से बता दिया, कहानी के हिसाब से समझा दिया हूँ कि क्या क्या था। कि देखो यहाँ पे कि जैसे ये बने तो अब इतने दयालु थे कि जहाँ जो था उस वहाँ पे पोस्ट रहने दिए, जैसे दिल्ली का जो कोतवाल था फकरुद्दीन उसे अपने पोस्ट पे रहने दिए, हटाए नहीं। अवध का इकतदार था मलूखा, उसे भी अपने पोस्ट पे रहने दिए। वही आपका मलिक छज्जू, ये मैंने बात किया कि ये विद्रोह करता है पहली बार, इसके साथ उसने डिनर किया, इसी से सब कुछ क्या गुस्सा हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद से कुछ इसके आपका युद्ध अभियान रहे उसको देख लेते हैं। युद्ध अभियान क्या थे, कहाँ कहाँ, बहुत ज्यादा युद्ध लड़ा भी नहीं था इसको, ज्यादा मतलब नहीं था, बोला गया 70 साल की उम्र है कहाँ ज्यादा युद्ध लड़ लेगा, सोचा जितनी जिंदगी है उसको अच्छे से काट लें, पुण्य काम कर लें, खुदा का घर नसीब हो जाएगा। तो 1291 में ये रणथंभौर पर अभियान करता है, आक्रमण करता है, क्योंकि वहां के लोगों भी विद्रोह कर देते हैं जो राजपूत होते हैं, तो उनको शांत करने के लिए काफी दिन तक घेराबंदी किया रहता है। अब उस घेराबंदी में देखता है कि कुछ हाथ नहीं लग रहा है, रोज युद्ध हो रहा है, कुछ लोग मारे जा रहे हैं, तो अपने सेना से कहता भैया बुढ़िया बिस्तर बांधो यहां से और निकल चला जाए, क्योंकि यहां से कुछ हासिल होगा नहीं और दिन पे दिन कई लोगों का जो है खून होता रहेगा, खून बहता रहेगा, ये मुझसे हो नहीं सकता। मैं एक किले के बदले में मैं 10 मुसलमानों का खून जो है नहीं जाने देता, मैं उन्हें मरने नहीं देना चाहता हूँ, तो वहां से चले आते हैं। ये उनकी पराजय हो जाती है 91 में। उसके बाद से 92 में फिर से मंगोल जो है एक बार आक्रमण करते हैं, क्योंकि ये देखते हैं कि भाई दिल्ली में कोई बहुत ताकतवर सरदार नहीं है, बलबन की तरह कोई नहीं है, मगर जो बलबन ने काम किया था वो बहुत इनको सपोर्ट मिलता है उसका, क्योंकि उसने क्या किया था कि मंगोलों को आक्रमण से बचने के लिए, मैंने आपको बताया था, जंगल पूरे कटवा दिए थे, सभी जगह किला बनवा दिया था, किले पे क्या किया था, सैनिक तैनात कर दिया था, तो सैनिक तैनात कर दिया था, जब भी कहीं से भी आक्रमण होता था तो उसे रोकने में जो है सफल हो जाते थे, तो वो इनको सपोर्ट मिलता है उसका। तो जब ये मंगोल आक्रमण करते हैं, किसके नेतृत्व में, अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण होता है 1292 में, तो उस समय मंगोल जो है हार जाते हैं, और हारने के बाद उन्हीं के साथ एक मंगोल जो बोला जाता है चंगेज खान का पोता बोला जाता है, कई लोग बोलते हैं उलुग खान नाम का एक व्यक्ति था, वो क्या करता है कि वो यहीं पे रहने के लिए बोलता है, तो जलालुद्दीन कहते हैं ठीक है भैया तुम यहीं पे रह जाओ, और इसके साथ उलुग खान के साथ 4000 मंगोल लोग जो है आपके मुस्लिम धर्म अपना कर यहीं दिल्ली के आसपास रहने लगते हैं, जिस बात में चल के उस जहां ये लोग बसते हैं 4000 मंगोल, उसे बोला क्या गया था मंगोलपुरी नामक स्थान बोला गया था, जो वर्तमान में इस समय दिल्ली के पास है। ठीक है, तो उसको मंगोलपुरी बोला गया, और ये जो कन्वर्ट हुए थे 4000 मंगोल आपके सैनिक जो इस्लाम ग्रहण किए थे, उसे क्या बोला गया, नव मुस्लिम बोला गया, नया मुसलमान बोला गया,
ठीक है, ये लोग कन्वर्ट हुए थे, न्यू मुस्लिम बोला गया। तो आपसे अगर कहीं डिटेल में क्वेश्चन पूछता है कि नौ मुस्लिम किसके शासनकाल में बने गए थे 4000 मंगोल, तो आपके जलालुद्दीन खिलजी में। उसके बाद से जलालुद्दीन ने 1292 में आपका आक्रमण करता है, कहाँ, मंडौर जोधपुर पर आक्रमण करता है और इसे जीत कर अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। मतलब एक ये जीत इस पे जीता था। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद से अब इसके अंत का समय धीरे धीरे आता रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हुआ, वह वाला जब मलिक छज्जू वाला मैंने आपको कहानी बताई तो उस पे अलाउद्दीन खिलजी जो है चिढ़ा तो रहता ही है कि चाचा तो ऐसा रहा तो सब कुछ लुटा देंगे, तो मुझे ही कोई कदम उठाना पड़ेगा। तो वो सोचने लगता है कि मुझे अगर राजा को हराना है तो उसके लिए पैसे की जरूरत है, पैसा मुझे मेरे पास रहेगा तो सेना मेरे पास हो जाएगी, ठीक है, उसके सपोर्ट में भी हो जाएगा। आज भी देखो जिसके पास पैसा होता है वो वही सबका राजा होता है, ठीक है, जानते ही होगे। इस समय तो और भी कंडीशन ऐसी हो गई है कि जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। तो अलाउद्दीन पैसे पे अब दिमाग लगाता है, उसके लिए क्या करता है, 1294 की बात है, इसका नाम मैंने बता दिया अली गुर साहब पहले नाम रहता है, बाद में जब यह सुल्तान बनता है तब अलाउद्दीन खिलजी और बड़ा सा एक पोस्ट नाम लेता है, ठीक है, इसे आपको सेकेंड क्या बोला जाता है, दूसरा सिकंदर भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी भी जो चाहत थी वो क्या थी कि पूरा का पूरा भारत को विजय प्राप्त करना था और कर ही लेता है, अधिकतर जगह पे कर लेता है। जब अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्या करता है, मालवा भिलसा पे आक्रमण किया रहता है, वहां से जब जीता रहता है तो इससे जो है क्या होता है, लोग काफी खुश रहते हैं, जलालुद्दीन जो है काफी खुश रहता है कि भैया भतीजा बहुत तेज है, तर्रार है, अच्छा है, ऐसे करता रहा तो भाई नाम रोशन करेगा हमारे वंश का। तो इस वजह से क्या करते हैं, जहां का मलिक छज्जू रहता है आपका कांडा मणिपुर का, वहां का इसका सूबेदार बना देता है, सरदार बना देता है, साथ ही साथ अवध भी दे देता है। तो अब ये अवध पे राज करने रखते हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद से मैंने बताया इसको और भी सेना चाहिए थी, आपका दौलत चाहिए था, क्योंकि इसको क्या करना था, अपने चचा जान को मारना था, क्योंकि चचा जान सठिया गए थे, तो चचा जान को मारना था। तो उसने कहां आक्रमण किया, उसने आपका, उसने देवगिरी पर आक्रमण किया, ठीक है, महाराष्ट्र में है आपका देवगिरी, इस पे अलाउद्दीन खिलजी भी आपका एक बार और आक्रमण करता है। जब अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे आपको कि 1296 में इसने अली गुर साहब ने, ठीक है, कहां आक्रमण किया, देवगिरी महाराष्ट्र में, जहां के राजा कौन थे, रामचंद्र देव थे, उन पर आक्रमण किया, वहां से धन दौलत लिया काफी मात्रा में और वहां से लेकर, और इसकी खबर अपने चाचा जान को नहीं दिया कि हम जा रहे हैं कहां, देवगिरी पर आक्रमण करें, ठीक। जब सफल हो गया आक्रमण, धन दौलत ले लिया और रामचंद्र देव ने अली गुर साहब से, मतलब अलाउद्दीन खिलजी से ये वादा किया कि मैं आपको पेंशन के रूप में कुछ पैसे भिजवाता रहूंगा। बाद में ये बंद कर देते हैं तो फिर से अलाउद्दीन खिलजी जो अपने जो मलिक कफूर को भेजता है यहाँ पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है, तो हम अलाउद्दीन खिलजी में पढ़ेंगे। तो यहाँ से जब ये पूरा धन दौलत पा जाते हैं तो जितने भी आपके खिलजी के सपोर्टर होते हैं अलाउद्दीन, उसके जलालुद्दीन के, उसको ये खरीदना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि भैया देखो इतना पैसा, भाई पैसे के बल पे तो सब कुछ बिक जाता है, जानते ही हो, तो पैसा दे देते हैं, तो सेना भी तैयार कर लेते हैं, जो अधिकारी होते हैं वो भी उनके फेवर में आ जाते हैं, मगर बहुत दिमागी रहता है अलाउद्दीन खिलजी। जितने लोग पैसे के लालच में जलालुद्दीन का साथ छोड़कर अलाउद्दीन के पास आते हैं, वह जान जाता है जो है ना किसी के संग नहीं होंगे। जब ये पैसे के बल पे जलालुद्दीन का साथ छोड़ सकते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई और पैसा देगा तो मेरा साथ छोड़ देंगे। तो एक समय होता है, अभी तो इसकी जरूरत थी इन लोगों को, अलाउद्दीन को, तो ऐसा कर लिया, मगर जैसे ही ये गद्दी पे बैठता है इन लोगों का सफाया कर देता है, क्योंकि ये लोग पैसे पे बिकने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो इसकी खबर जो है जलालुद्दीन को पड़ती है कि भैया ये क्या किया अलाउद्दीन ने, मेरे से बिना पूछे गुस्सा होता है और आक्रमण कर दिया और मेरे को बताया भी नहीं कि भैया चाचा जी मैं जा रहा हूं आक्रमण करने, इतना पैसा लाया हूं कुछ ले लो, ठीक। तो ये खबर मिलती है, मगर अलाउद्दीन भी बहुत चालाक रहता है, सब जब जानता है कि जलालुद्दीन जान गया है, गुस्सा है मेरे ऊपर, तो एक लेटर लिख के भेजता है। वहां उसका भाई रहता है दिल्ली में जलालुद्दीन के पास, मतलब अलाउद्दीन खिलजी का ही भाई रहता है, सग भाई होता है, उसको लेटर लिखता है, बोलता है चाचा जान को सुना देना कि मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं, मैं उन्हें बताया नहीं, मुझे क्षमा कर दें और जो धन मिला है आके बंटवारा कर लें, आके अपना लेके चले जाएं यहां से। तो उनका भाई कहता है जलालुद्दीन से, सुल्तान से बोलता है कि जो है अलाउद्दीन आपको बुला लाया चाचा जान, चले जाइए वहां पे।
बाकी कई लोग उन्हें मना भी करते रहते हैं जो जलालुद्दीन के कुछ सपोर्टर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भनक पड़ जाती है कि अलाउद्दीन जो है इनका काम सफाया करने वाला है, मगर जो उनका भाई है बहुत जबरदस्ती करता है। पहले जलालुद्दीन बोलते हैं ना छोड़ दो, जाने दो, लड़का है, गलती कर लिया एक बार, अब उसमें जाने की क्या बात है, जो उसे लगेगा वो अपना भिजवा दे। तो मगर वो उसका भाई जलालुद्दीन का भाई जो रहता है वो भी चाहता है कि जाए वहीं पर और इनका जो है काम तमाम हो जाए। जो बहुत ज़बरदस्ती करते हैं तो तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है, मगर सेना होना सब लेके जाता है। जब सेना होना लेके जाता है मणिपुर के पास पहुंचता है ये आपका, तो सेना को नदी के किनारे ही छोड़ देता है और कुछ अंगरक्षकों के साथ आगे बढ़ जाता है। ठीक, कुछ अंगरक्षकों के साथ आगे जब बढ़ता है तो अब उसका नज़दीक समय आ जाता है। अब जाता है वहाँ पर, अलाउद्दीन से मिलता है, अलाउद्दीन भी काफ़ी चाय पानी पिलाता है, सब कुछ करता है। करने के बाद जब धन की बात आती है तो वहाँ पे उनको पीछे से वार करा देता है, जिसका नाम रहता है, जो पीछे से इनका सैनिक जो वार करता है उसका नाम रहता है इख्तियारुद्दीन हूद। ठीक है, इख्तियारुद्दीन हूद जो है उसको जलालुद्दीन को मार देता है और यहीं से इनका सफाया हो जाता है। अलाउद्दीन अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है अब यहाँ से दिल्ली की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। जब यह खबर मिलती है कि जलालुद्दीन की मृत्यु हो गई है तो इनकी जो जलालुद्दीन की बीवी रहती हैं वो क्या करती हैं, अपने छोटे बेटे को, जिसका एक तो था आपका आरकली, दूसरा आपका था कादर खा, तो उसको क्या करती हैं सुल्तान बना देती हैं, उसका नाम रख देती हैं इब्राहिम शाह। ठीक है, तो इब्राहिम शाह सुल्तान बनता है, बोला जाता है कहीं आपको मिलेगा नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कुछ दिन के लिए ये बना था। आरकली को ये जो है पछता नहीं है कि मैं सबसे बड़ा था, छोटा वाला कैसे सुल्तान बन गया दिल्ली में, तो देखता है कि आरकली भी गुस्सा है। अलाउद्दीन उसका साथ लेकर जो है इब्राहिम शाह को क्या करता है, हरा देता है, जो कादर खा रहता है हरा देता है, तो वो हार जाता है। वो भी को बहुत ज़्यादा जो है अलाउद्दीन से निपटने की कोशिश नहीं करता, अपना परिवार वरिवार लेके मुल्तान चला जाता है, जहाँ आरकली जहाँ का सरदार रहता है वहाँ ये लोग अपना जीना जीवनी शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे दिल्ली पे अब आके अलाउद्दीन अपनी गद्दी पर बैठता है। ठीक, तो ये रहा पूरा का पूरा जलालुद्दीन की कहानी। अगले सेशन में हम अलाउद्दीन के बारे में बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी कैसे अपने साम्राज्य को बढ़ाता है, कहाँ कहाँ आक्रमण करता है, जो उसके चचा जान किए थे, जो चचा जान की जो नियत थी कि नहीं सब पे बहुत दयालु था, कोई भी कुछ भी बोलता था सभी चीज़ों पे माफ़ कर देता था, बलवन भी की तरह नहीं कि हर बार पे तलवार उठा ले, मगर अलाउद्दीन जो खिलजी होता है ये पूरा का पूरा आपका बलवन की ही नीतियों पर चलता है कि जितने भी लोग हमारे विरोधी होंगे उनका सर क्या करो, धड़ से अलग करा दो। ठीक है, तो अगले सेशन में हम आपसे मिलेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे। तब तक लोग सभी लोग मन लगा के पढ़ो। धन्यवाद।